Good morning everyone and welcome to Navbharti family. So our today's topic is narration. We are done with tenses, we are done with models, and now we will discuss about narration, because narration is one of the most important topic in English grammar. All right, so what does narration means? Hindi mein to hum isko bolte hain kathan. Easy language mein batau to narration ka matlab hota hai storytelling. Theek hai? नरेशन में सबसे मेन चीज़ जो होती है इसके टाइप्स, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. फर्स्ट हमारा टाइप होता है डायरेक्ट स्पीच, सेकंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच. इसी एग्जाम्स में क्या होता है कि वो हमको सेंटेंसेस दे देंगे डायरेक्ट स्पीच के, और वो हमको बोलेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. तो नरेशन में मैं वही चीज़ बताऊँगी कि हम कैसे कन्वर्ट एंड वाई से वर्सा. नरेशन में मैं वही चीज़ बताऊंगी कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एक एक सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो ये वीडियो अच्छे से फोकस करके, कॉन्सेंट्रेट करके देखना, क्योंकि थोड़ा लेंथी वीडियो है, थोड़े ज़्यादा इसमें पॉइंट्स हैं, ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं, तो आपके दिमाग में मैसअप ना हो इसलिए क्लियरली कॉन्सेंट्रेट करके देखना. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट्स फर्स्ट टाइप. That is direct speech. When we quote the exact words of the speaker, जो speaker मतलब बोलने वाला, जब हम speaker के ही words में, जिसने हमें वो बात बोली है, हम उसी के words में किसी और को वो बात narrate करेंगे ना, उसको हम बोलते हैं direct speech. हम कुछ भी change नहीं करेंगे. For example, he said, उसने कहा I am tired, मैं थका हुआ हूँ. मेरा फ्रेंड है, वो मुझसे कह रहा है कि आई एम टायर्ड. अब मैं ये बात जब किसी और को बताऊंगी तो मैं कैसे बताऊंगी? ही सेड आई एम टायर्ड. मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा है, मैंने उसी की वर्ड्स में वो बात नरेट करी है. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं. इनडायरेक्ट में क्या होता है? व्हेन वी यूज आवर वर्ड्स टू से समथिंग. जब हम हमारे वर्ड्स यूज करते हैं कुछ बात कहने के लिए. उसने मुझसे कहा कि मैं थका हुआ हूँ. अब मैं ये बात जब किसी और को बताऊंगी तो मैं क्या अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में बताऊंगी तो मैं कैसे बताऊंगी? ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड. वह उसने कहा कि वो थका हुआ है. लेकिन उसने क्या कहा था? कि मैं थका हुआ हूँ. पर मैं क्या बोल रही हूँ? उसने कहा था कि वो थका हुआ है. इनडायरेक्टली मैं बता रही हूँ, मैं अपने वर्ड्स इसमें ऐड कर रही हूँ. इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच. मैंने बहुत ईजीएस्ट लैंग्वेज, ईजीएस्ट डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है. वैन वी कोट दी एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. इनडायरेक्ट में क्या होगा? वैन वी यूज आर वर्ड्स टू से समथिंग. नाउ अब एक चीज़ देखिएगा, मेन चीज़ जो है ये हमारा सेंटेंस हो गया. कौन सा है ये सेंटेंस? ऑब्वियसली है डायरेक्ट वाला. ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच. एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, मैं बता रही हूँ, ही सेड टू मी, और ये हमारा आ गया इन्वर्टेड कॉमास. My brother took breakfast, और ये हमारा आ गया inverted commas full stop. Inverted commas से जो पहले वाला sentence होता है, he said to me, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा reporting verb. इसको हम बोलते हैं reporting verb. ये चीज ध्यान रखना. और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमारा सेंटेंसेस होगा उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब. हैव यू गाइस अंडरस्टूड? सी, कंफ्यूज मत होना कि हम किसको रिपोर्टिंग बोलते हैं और किसको रिपोर्टेड बोलते हैं. यहां पे देखो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो सेंटेंस होगा उसको हम रिपोर्टेड बोलेंगे. ठीक है, और इसकी जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो चीज़ होगी, ही सेड टू मी, उसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब. अब रिपोर्टिंग वर्ब में देखो, ही क्या है? सब्जेक्ट. सेड क्या है? वर्ब. मी क्या है? ऑब्जेक्ट. रिपोर्टेड वर्ब में देखो, माय ब्रदर क्या है? सब्जेक्ट. टुक क्या है? वर्ब. ब्रेकफास्ट क्या है? ऑब्जेक्ट. आई समझ में? अब हम कैसे हमको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है मैं अभी नहीं बताऊंगी. बहुत अलग अलग, देर आर डिफरेंट वेज टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट वन. ठीक है, तो यहाँ से बस क्या हम क्या करेंगे जो कन्वर्ट करने के लिए, हम
इन दोनों को अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे. माय ब्रदर सब्जेक्ट को इसके अकॉर्डिंग, वर्ब को इसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट को इसके अकॉर्डिंग. तो ये दोनों ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब एक दूसरे पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, ठीक है ना. क्योंकि अगर हमें सिर्फ ये चीज़ बोलेंगे तो ये तो कुछ सेंस ही नहीं होगा. इसलिए ये हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच. अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं, हम कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है. एंड मेक श्योर जो भी मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूं, आप लोग अपने नोटबुक में लिखो, बिकॉज आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू गिव यू द इजीएस्ट नोट्स, ठीक है. ये फ्लो चार्ट्स वगैरह के थ्रू आप इजीली समझ जाओगे, इसलिए अपनी नोटबुक में इसको लिख लेना, ठीक है. मेक श्योर यू गाइस टेक स्क्रीनशॉट. तो हम बात कर रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की, ठीक है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है आप लोग समझ गए हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है ये मैंने बताया था, फिर से एक बार देख लीजिए. ही सेज Hari is not well. जो he says है ना, ये हमारा क्या है, reporting verb. और जो कॉमा में है ना, like देखो ये inverted commas में जो sentences है ना, ये हमारा reported verb, ठीक है. अब direct को indirect में convert करने के लिए कुछ rules होते हैं. जो sentences है उनमें tense change होते हैं, pronouns change होते हैं, that वगैरह, मतलब कॉमास वगैरह सब हटता है जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करता है. तो हम पढ़ेंगे उन्हीं रूल्स के बारे में, हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है. तो सबसे फर्स्ट रूल जो होता है चेंज इन टेंस. सबसे फर्स्ट चेंज क्या होगा, टेंस में चेंज होगा. कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमारी किसके साथ लगेगी, इसके अंदर भी चेंज इन टेंस में भी काफी रूल्स होते हैं और काफी एक्सेप्शन होते हैं. थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझिएगा आपको सब समझ में आएगा. फर्स्ट हमारा जो है रूल है, दैट इज चेंज इन टेंस. देखिए चेंज इन टेंस में भी फर्स्ट है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस देन देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस फॉर्म्स ऑफ रिपोर्टेड वर्ब. सी अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ही सेज, एग्जाम्पल देखिए, सेज क्या होता है, प्रेजेंट की बात हो रही है सेज में. अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा. यहाँ पे है ही सेज, सेज किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है. मतलब क्या होगा, अब हम जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब में इसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा. ही सेज हरी इज नॉट वेल, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया. यहाँ पे डी डायरेक्ट स्पीच को डिनोट कर रहा है, आई इनडायरेक्ट स्पीच को डिनोट कर रहा है. ही सेज, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, दैट ही सेज दैट हरी इज नॉट वेल. आया आप लोगों के समझ में, ही सेज क्या है, प्रेजेंट टेंस डिनोट कर रहा है. तो हमारी जब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड वर्ब में कोई रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई चेंज नहीं लाएंगे. हैव यू अंडरस्टूड, ही सेज हरी इज नॉट वेल, इसको हम एज इट इज लिखेंगे. ही सेज कॉमा हटने के बाद दैट आएगा, दैट हरी इज नॉट वेल. राइट, ठीक है. अब इसका सेकंड रूल जो है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, इसका मतलब जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, मोहन सेड टू मी, यहाँ पे ये हमारी क्या रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें सेड आ गया, मतलब ये हमारी पास्ट फॉर्म है. सेज प्रेजेंट, सेड हमारा पास्ट हो गया. जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, इसके अंडर में काफी पॉइंट्स हैं. क्योंकि प्रेजेंट टेंस आ गया, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनेट, मतलब सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब है. तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की. ये मोहन सेड टू मी क्या शो कर रहा है, पास्ट फॉर्म है. अब यहां देखो, ही टेल्स अ लाई, टेल्स किस में आ गया, हमारा
सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एससीएस आएगा तो हम उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे. देखो प्रेजेंट सिंपल अगर हमारा रिपोर्टेड जो वर्ब है उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल आ रहा है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, डूडज आ रहा है या एस और एस आ रही है, हमारे किसकी किस में होता है ये सब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में होता है ना, तो सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे. एस और एस आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, डूडज आ रहा है तो डिड लगेगा. आ रहा है समझ में? देखो एक चीज मैं बताती हूँ, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, सिंपल सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में हम चेंज करेंगे. बहुत इजी है, ठीक है? तो यहाँ ध्यान दीजिए. अब एग्जाम्पल देखते हैं. मोहन सेड टू मी हरी टेल्स अ लाई. यहाँ पे टेल्स मतलब टेल तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस आ गया तो यहाँ पे जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो टेल्स का क्या टोल्ड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड. मोहन टोल्ड मी सेड का हो जाएगा टोल्ड. मोहन टोल्ड मी दैट कॉमा टाके दैट हरी टोल्ड अ लाई. आया समझ में? सेकंड एग्जांपल देखते हैं. सीता सेड टू मी हरी डज नॉट टेल्स अ लाई. सीता टोल्ड मी दैट हरी डिड नॉट टेल अ लाई. आया समझ में? कुछ भी नहीं है, बस ये दिमाग में रखो सिंपल प्रेजेंट है तो उसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस है तो हम उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और अगर डूडज है सॉरी उसको हम डिड में कन्वर्ट करेंगे. आया समझ में? और कैसे पता चलेगा वो हमारा प्रेजेंट है या हमारा पास्ट है? रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट में है तब हम इसमें चेंज करेंगे और रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में है और रिपोर्टेड जो हमारी स्पीच है वो प्रेजेंट में है. एक बात ध्यान रखिए, अगर मोहन सेज आता तो मैंने इसका फर्स्ट रूल क्या बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट टेंस में होगी तो पूरा सेंटेंस ही हमारा प्रेजेंट टेंस में बनेगा, लेकिन यहाँ पे पास्ट आ गया तो इसको हमें पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. आधा पास्ट है आधा प्रेजेंट है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस. जब कन्वर्ट करेंगे तो पूरा पास्ट में करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए. अब देखिए वैसे ही सॉरी ए नहीं है ये, इट विल बी बी. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है अगर हमारा टेंस, उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे. इज एमआर अगर हमारा आ रहा है रिपोर्टेड वर्ब में तो उसको वॉज वर्ब में हम चेंज करेंगे. देखो शी सेड टू मी, सेड क्या है हमारा पास्ट टेंस इसलिए हम चेंज करेंगे. शी सेड टू मी सीता इज राइटिंग अ लेटर. उसने मुझसे कहा सीता एक लेटर लिख रही है, ठीक है? इसको हम कन्वर्ट करेंगे शी आ जाएगा सेड को टोल्ड में, क्योंकि देखो एक बार सेंटेंस की हिंदी करके देखिए. उसने शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा सीता इज राइटिंग अ लेटर. सीता एक लेटर लिख रही है. अब मैं ये बात, ये हमारा कौन सा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये बात जब मैं किसी को बताऊंगी तो मैं ये थोड़ा बोलूंगी कि उसने, मैं ऐसे बोलूंगी कि उसने सीता ने मुझे बताया. सॉरी सीता नहीं है, शी सेड टू मी उसने मुझसे कहा, तो मैं सामने वाले को ये चीज बोलूंगी उसने मुझे बताया कि वो एक सीता एक लेटर लिख रही थी, ठीक है ना? आ रहा है समझ में मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? शी सेड टू मी सीता इज राइटिंग अ लेटर, इसको कन्वर्ट कर देंगे शी टोल्ड मी दैट. उसने मुझे बताया कि सीता जो सीता है वो राइटिंग अ लेटर, एक लेटर लिख रही थी, ठीक है? आ गया समझ में? हम आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं सी प्रेजेंट परफेक्ट अगर हमारा टेंस है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे. लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना भूल गई थी, वो ये है कि देखो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू आ रहा है सेड टू, तो उसको हम
टोल्ड लिखेंगे, जब उसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम टोल्ड लिखेंगे। और अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ सेड आ रहा है तो उसको हम सेड ही लिखेंगे। सेड टू आएगा तो टोल्ड, सेड आएगा तो सेड। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एज अ नोट इसको लिख लीजिए। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की है तो वो होती है हैव, पास्ट परफेक्ट की होती है हैड। एग्जांपल देखते हैं, द बॉय सेड राम हैज डन हिज वर्क, द बॉय सेड दैट राम हैड डन हिज वर्क। यहाँ पे द बॉय सेड आ गया, टू मी नहीं आया, टू लिखा हुआ नहीं आया, तो हम उसको टोल्ड नहीं लिखेंगे, सेड को हम सेड ही लिखेंगे। कॉमा हटा के हमने क्या करा, इनवर्टेड कॉमास को हटा के हमने उसको डेट में कन्वर्ट कर दिया, राम एज इट इज आ जाएगा। हैज डन है, हैज डन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट की हेल्प अब होती है हैड, तो हमने इसको हैड कर दिया। और ऑब्वियसली हैड के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हिज वर्क आया। अब इसके बाद क्या होगा देखो, वही इसके बाद जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वही चीज होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर मैं वो बताती हूँ आपको, बहुत इजी है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव बीन को हम हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, दे सेड द बॉयज हैव बीन लिविंग इन द हाउस फॉर 5 months। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो दे सेड दैट द बॉयज हैड बीन लिविंग, आया समझ में, इन द हाउस फॉर 5 months। ये हमारा प्रेजेंट का कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे आगे पास्ट पर, क्योंकि ऐसे ही पास्ट के सेंटेंसेस भी होते हैं। अगर वो हमारा पास्ट होगा, हमको पास्ट में रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग दे रखा होगा, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं बताऊंगी। ठीक है, अब हम आते हैं ई पर। इसमें क्या है कि अगर हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब है वो सिंपल पास्ट में होगा, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट की क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर हमें आएगी तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे, दैट इज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर डिड नॉट आता है तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देखते हैं, सीता सेड मधु रोट अ लेटर। यहाँ पे रोट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, सिंपल पास्ट में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, सीता सेड दैट मधु Had written a letter. Had written क्या है, वो had written क्या है हमारा, past perfect, past मतलब had written क्या है हमारा, sorry, written verb की third form है, write, wrote, written, verb की third form किसमें आई, had plus verb की third form किसमें आती है, past perfect में आती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगर इसकी जगह ये होता कि सीता said मधु Did not write a letter, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, सीता said that मधु had not written a letter. आया समझ में, very good. अब ये देखिए past continuous है, past continuous आएगा तो उसको हम past perfect continuous में convert करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर, और पास्ट परफेक्ट की हैड बीन। तो देखो रिपोर्टेड वर्ब में अगर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस आ जाता है, वॉज ही सेड इट वॉज रेनिंग क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर देंगे। ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग, आया समझ में, पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए एक और चीज मैं बताती हूं, ये हमारा एफ है, इसके बाद आता है जी। जी में क्या होता है, अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, सॉरी रिपोर्टेड वर्ब है, वहां पे पास्ट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि पास्ट सिंपल को तो हमने पास्ट परफेक्ट में कर दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूस को हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कर दिया। तो अब अगर पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस हमको दे रखा होगा, तो हम कैसे चेंज करेंगे, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा,
देखिए इधर, मैं बताती हूँ कैसे. ही सेड दैट, ही सेड इट हैड बीन रेनिंग. तो ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग, ये हमारा क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. डायरेक्ट में अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा. यहां पे एज इट इज ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग एज इट इज हम लिख देंगे. सिर्फ क्या चेंज होगा? दैट चेंज होगा हमारा. और अगर सेड टू होगा तो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. आया समझ? मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो. पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब में आता है तो हम उसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे, वो हमारा एज इट इज हो जाएगा. हैड बीन रेनिंग, हैड बीन रेनिंग. ठीक है, तो ये हमारा हो गया है. रिपोर्टेड वर्ब में कोई मॉडल आ रहा है, कैन में, शैल विल अगर आ रहा है तो उसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैन को कुड में, मे को माइट में, शैल को शुड में और विल को वुड में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, और अगर हमारा मस्ट आ रहा है तो उसको हम हैड टू में कन्वर्ट करेंगे. वैसे तो मस्ट हमारा चेंज नहीं होता है ज्यादातर, बट अगर चेंज होगा तो हम हैड टू में कन्वर्ट करेंगे. और हमें कैसे पता चलेगा कि हैड टू में करना है? वो उसके वर्ब्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे. ठीक है, तो देखिए कैन में, शैल विल आ रहा है तो उसको कुड माइट शुड वुड में कन्वर्ट कर देंगे. अगर could, might, should, would, अगर सिर्फ ये हमको एज इट इज दे रखा हो, could दे रखा हो, would दे रखा हो डायरेक्ट स्पीच में, तो हम क्या करेंगे? जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे. क्या ये could, should, would, might अगर दे रखा है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, आई आपको समझ में? तो ये हम सारे पॉइंट से हम समझ चुके हैं, हमारे सारे पॉइंट्स डन हो चुके हैं. इसके बाद मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी, वीडियो में आपको एक चार्ट दिखेगा, वो चार्ट ध्यान से देख लीजिएगा. और अब हम बात करेंगे कुछ एक्सेप्शंस की. एक्सेप्शंस क्या होते हैं? कि ये सारे पॉइंट्स हम फॉलो करेंगे, सारे रूल्स फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ केसेस में हम ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे. और वो जो केसेस हैं उनकी मैं बात करूंगी. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हम बात करते हैं हमारे एक्सेप्शनल केसेस की. इसमें चार तरह के एक्सेप्शनल केसेस होंगे. एक्सेप्शनल केसेस का मतलब इसमें क्या चीज होगी? एक्सेप्शनल केसेस में जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब जो होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है. जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे वो एज इट इज हम लिखेंगे. और वो किस केसेस में लिखेंगे मैं बात करती हूँ. फर्स्ट हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ. ठीक है, वी कैन नॉट, नोबडी कैन चेंज इट. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लिखते हैं, माई फादर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट. मेरे फादर ने कहा कि जो सन है वो ईस्ट में राइज करता है. द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है? हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, नोबडी कैन चेंज इट. तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो हम यही लिखेंगे, माई फादर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट. इसमें सिर्फ क्या हुआ? इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लगा दिया. उसके बाद पूरा हमारा एज इट इज हम सेंटेंस लिख देंगे. ठीक है, इसमें हम कोई टेंस में, कोई वर्ब में चेंज नहीं लाएंगे. सेकेंड हम बात करते हैं हैबिचुअल एक्शंस की. हैबिचुअल एक्शंस आदत की हम बात करते हैं. तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स. उसने कहा कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं. कुत्ते तो भौंकते हैं, म्याऊं म्याऊं थोड़ी ना करेंगे. वी कैन नॉट चेंज दिस फैक्ट ऑल्सो. तो इसको अगर हम जब कन्वर्ट करेंगे तो हम ये चीज लिखेंगे, ही सेड दैट डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स एज इट इज. हम लिख देंगे, इसमें हम कोई चेंज नहीं लाएंगे. इसके टेंस में, इसके वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज दिस इज हैबिचुअल एक्शन. सेकेंड हम बात करते हैं हिस्टोरिकल एक्शन. हिस्टोरिकल एक्शन नहीं होगा, ये होगा हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट. फैक्ट्स की, हिस्ट्री फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी हम कोई चेंज नहीं लाएंगे. इसका एग्जाम्पल देखो, द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्र गुप्ता इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया. ये क्या है? हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट है. इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे अब एज इट इज लिख देंगे, द हिस्ट्री टीचर सेड दैट समुद्र गुप्ता इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया. ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं टाइम क्लॉज की. टाइम क्लॉज का एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा. ही सेड व्हेन आई वाज एट दिल्ली आई विजिटेड द रेड फोर्ट. जब मैं दिल्ली था मैं रेड फोर्ट भी घूम के आ गया. ठीक है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ही सेड दैट
When he was at Delhi, he visited the Red Fort. इसको हम as it is लिख देंगे, इसके हम past में कोई change नहीं लेंगे क्योंकि वो काम हो चुका है, वो काम उसी time period मतलब time को उसी time period में वो काम हो चुका है, तो उसको अगर उसका tense change करना चाहेंगे तो it will not make any sense because the work has been done. आया आपको समझ में? Exceptional cases, इससे पहले जो मैंने रूल्स बताए थे वो सारे रूल्स को फॉलो करके हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सेप्शनल केसेस में वो रूल्स हमारे फॉलो नहीं होते हैं. ठीक है, हम सेंटेंस को हमारे रिपोर्टेड स्पीच को एज इट इज लिखते हैं. तो ये हमारा हो गया फर्स्ट जो रूल है, चेंज इन द टेंस. वी आर डन विथ चेंज इन द टेंस. इसके बाद में एक टेबल आपको शो करने वाली हूँ, तो वो टेबल आप देख लीजिएगा. अब हम आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रूल नंबर सेकंड पे. फर्स्ट रूल हमारा क्या था? चेंज इन टेंसेस जो हमने सीख लिया. अब हम बात करेंगे चेंज इन प्रोनाउंस. प्रोनाउंस क्या होते हैं? नाउंस तो पता है, नेम ऑफ प्लेस, थिंग, एनिमल. प्रोनाउंस क्या होते हैं? ही, शे, इट, आई, मी, माई, ये सब हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउंस. ठीक है, चेंज इन प्रोनाउंस का जो फर्स्ट रूल है ध्यान से देखिएगा, लेकिन उससे पहले ये टेबल आप लोग समझिए. यहाँ देखिए, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अभी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो स्पीकर, बोलने वाला, जैसे मैं हूँ. मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन. और मैं जिससे बात कर रही हूँ वो क्या है? सेकंड पर्सन. और मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो क्या है? थर्ड पर्सन. देखिए, फर्स्ट पर्सन में क्या होगा? आई, वी, नहीं पहले आई वाला देखिए, आई, फिर इसका होगा मी, माई सेल्फ, माई, माइन. आई हमारा हो गया सब्जेक्टिव फॉर्म, मी हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फॉर्म. ठीक है, माई सेल्फ हो गया रिफ्लेक्सिव फॉर्म और माई माइन हो गया पजेसिव फॉर्म. आया समझ में? यहाँ देखिए, वी, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा अस, फिर आर सेल्स, आर, आर्स. ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन. मैं, हम, मेरा, हमारा, ये क्या होता है? हमारा फर्स्ट पर्सन होता है. सेकंड पर्सन, यू, यू, योर सेल्फ, योर सेल्स, योर, योर्स, तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, इसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन. अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की. थर्ड पर्सन कौन होते हैं? वह, वे, उनको हम बोलेंगे थर्ड पर्सन. ही, हिम, हिमसेल्फ, हिज, हिज, शी, हर, हरसेल्फ, हर, हर्स, इट, इट, इटसेल्फ, इट्स, दे, देम, देमसेल्फ्स, देयर, देयर्स. तो ये हमारी टेबल है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन पर्सन की. इसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि चेंज इन प्रोनाउंस में ये टेबल बहुत ज़्यादा काम आने वाली है. अब हम आते हैं इसके रूल नंबर वन पे, एंड दैट इज इन इनडायरेक्ट स्पीच द फर्स्ट पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन, नंबर एंड जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग वर्ब. एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं बताती हूँ. जो इनडायरेक्ट जब हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसका जो फर्स्ट पर्सन होगा ना, वो रिपोर्टिंग जो हमारी वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच है ना, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं. आई सेड आई एम नॉट अ थीफ, मैंने कहा मैं एक चोर नहीं हूँ. इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पे आई, आई का आई आ गया, सेड का सेड, कॉमा हटाया, दैट. अब यहाँ पे देखो आई है, जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो ही, शी, इट नहीं आएगा. देखो यहाँ पे आई है, इस आई को हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करेंगे. इस आई को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. आई एम नॉट अ थीफ, वही हो गया आई यहाँ पे आया. क्यों? क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में क्या है? आई. ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ही सेज आई रेड माई बुक, ही सेज आई रीड माई बुक, सॉरी. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का ही है, और लेकिन
रिपोर्टेड का सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का आई है, तो इस आई को वी विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसमें क्या है, ही आ रहा है सब्जेक्ट में, तो हम आई की जगह ही लगा देंगे। आ रहा है समझ में, आई की जगह ही लगाया, क्यों? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना, और यहाँ पे आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसको हम थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करेंगे। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो आई है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में ही चेंज करेंगे, आई को सब्जेक्टिव फॉर्म में ही चेंज करेंगे। यू नहीं कि यहाँ पे आई है और हमने क्या कर दिया कि हिमसेल्फ लगा दिया, हर सेल्फ लगा दिया, ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया, ही सेज आई रीड माई बुक, ही सेज दैट ही रीड्स हिज बुक। अब यहाँ पे माई है, यहाँ पे हिज है, ऐसा क्यों? यहाँ पे जो माई है ना, इसको भी हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। इस माई को भी हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ माई है। अब माई में एक चीज नोटिस करना, ये जो माई है किसका फॉर्म है, पजेसिव फॉर्म में आ रहा है माई। जब इसको हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो देखिए पजेसिव फॉर्म में ही का जो पजेसिव फॉर्म होगा वो लिखेंगे। माय है, माय को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, बट माय हमारा क्या है, पजेसिव फॉर्म है, तो पजेसिव फॉर्म को पजेसिव फॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ही का पजेसिव फॉर्म क्या होगा, हिज, तो इसलिए हम यहाँ पे हिज लगाएंगे। आया समझ में? बहुत इजी है ये रूल, बस आपको ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी, इस टेबल को अच्छे से समझ लीजिएगा। ये टेबल बहुत इजी है, माइंड में बिठा लोगे ना तो आप सेंटेंसेस यू चेंज कर दोगे, क्योंकि हमको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। हमको देखना पड़ेगा कि वो कौन सा सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है या कौन सा फॉर्म है। ठीक है, बाकी ये हमारा रूल हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक में लिखिएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान में देना, इस वाले रूल में बात पता है किसकी हो रही है, फर्स्ट पर्सन की। इस रूल में हमने फर्स्ट पर्सन की बात किया, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई वी मी अस माई सेल्फ आर सेल्स माई माइन आर आर्स। सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन की कोई बात नहीं की है। ठीक है, जो अगर फर्स्ट पर्सन आएगा हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में, अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो ही हम उसको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करेंगे। अगर सेकेंड या थर्ड पर्सन आएगा तो उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, देखो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा रूल। सेकेंड क्या है, इसका उल्टा है। आ रहा है समझ में? देखो मैं बताती हूँ रूल सेकेंड, चलो एक काम करो पहले तुम इसको समझ लो, फिर रूल सेकेंड मैं अच्छे समझाती हूँ, ठीक, ताकि मैसअप ना हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? मैं बस ये बताने आई थी कि जो रूल फर्स्ट में, हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, सेकेंड और थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहे, तो कन्फ्यूज मत होना। तो रूल नंबर फर्स्ट में क्या था कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बट रूल नंबर सेकेंड में क्या डिफरेंस है, इन इनडायरेक्ट स्पीच द सेकेंड पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन नंबर्स एंड जेंडर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड रूल में जो सेकेंड पर्सन है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखिए, He said to me, you wash your face. अब देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, He told me, said to की जगह told आएगा, me को me लिख दिया, comma हटाया, that, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, you, you हमारा subject हो गया, इसको हम according to the object change करेंगे। तो यहाँ देखिए second person में you आ रहा है, you का subjective form क्या होगा, you, वैसे you को हमको me के according change करना है, देखो ठीक है, मी यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, लेकिन मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई, तो हम यू की जगह आई लगा देंगे। वॉश, अब यहाँ पे देखो योर है, योर हमारा कहाँ है, इसमें देखो पजेसिव फॉर्म है योर, और मी का पजेसिव फॉर्म क्या होगा, माय, तो माय हम यहाँ लगा देंगे, फेस,
आया समझ में? थोड़ा ट्रिकी है बट कॉन्सेंट्रेट करो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? जितने आप एक्सरसाइज करोगे, जितने आप सेंटेंसेस कन्वर्ट करोगे, उतना आपके लिए इजी होगा, क्योंकि एकदम से तो आपको आएगा नहीं, बहुत मैसअप हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत एक्सेप्शंस हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट अच्छे से करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। दे सेड टू अस यू डू योर वर्क। अभी यहाँ लिखेंगे दे टोल्ड अस दैट वी डिड आवर वर्क। वी क्यों आया? यहाँ पे अस है, देखिए टेबल में देखिए अस कहाँ पर है, गिरा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म है फर्स्ट पर्सन का, तो यू को हम अस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। हमारा यू ये रहा, ठीक है? हाँ सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई थी वी में। ओके नेवर माइंड, यू को हम अस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ये हमारा यू रहा, ये हमारा यस रहा, अस अस का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होगा वी, ठीक है? वी लिखेंगे हम यहाँ पे। क्यों वी क्यों लिखेंगे? क्योंकि वी हमारा प्लूरल है, ठीक है? वी डू को हम डेड में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि चेंज इन टेंस मैंने बताया था। योर है, योर हम देखेंगे पोजेसिव फॉर्म है, अस का पोजेसिव फॉर्म क्या होगा? आर, ठीक है? यहाँ पे अस आ रहा है, अस का सब्जेक्टिव फॉर्म वी है तो हमने वी कर दिया, अस का पोजेसिव फॉर्म आर है तो हमने आर कर दिया। देखो कितना इजी है, आया समझ में? ये हमारा हो गया रूल नंबर सेकेंड। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। अगर हमारा यहाँ पे यू है, आई है, यू है, वी है, इनकी जगह अगर हमारा ही, शी, इट या फिर दे आ रहा है, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, उसको हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है? आया समझ में? फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। हैव यू गॉट इट? अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमें सेंटेंसेस में ना ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं दे रखे होते हैं, क्योंकि रूल नंबर सेकंड जो था हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे। देखो ना, सेकंड पर्सन तो है बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम इस केस में हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से कुछ भी अज्यूम कर लेंगे, और बाय कुछ भी मेरा मतलब है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में से, फर्स्ट और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में से हम अज्यूम कर लेंगे। ही सेड टू मी, ही सेड टू, नहीं, विष्णु सेड टू मी, विष्णु सेड टू अस, विष्णु सेड टू यू, विष्णु सेड टू हिम, विष्णु सेड टू हर, इनमें से हम कुछ भी अज्यूम कर लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, ठीक है ना? जैसे मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया आई, यहाँ पे मैंने मी अज्यूम कर लिया, विष्णु सेड टू मी दैट, द नहीं आएगा, दैट आई वी ही शी दे, जो भी मैंने अज्यूम, जो आप लोग अज्यूम करोगे उसके अकॉर्डिंग आप ये लगा देना, सब्जेक्ट शुड हेल्प माय आर हिज हर, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना और आ गया फ्रेंड। ये हमारा हो गया रूल नंबर फोर्थ, ठीक है? देखिए बच्चों, रूल नंबर फोर्थ क्या है, एग्जाम्पल देखिए। देखो अगर आई वी के साथ हमारा शैल आ रहा है डायरेक्ट में, लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इनडायरेक्ट में, तो क्या होता है, आई को हम ही शी या वी करेंगे, तो शैल को जब हम कन्वर्ट करते, तो मैंने क्या बताया था, शुड में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन नहीं, अगर ही शी वी आएगा, दे आएगा, तो हम वुड में कन्वर्ट करेंगे, शैल को शुड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। कुसुम सेड आई शैल वर्क हार्ड, कुसुम सेड दैट शी वुड, यहाँ पे वुड आएगा ना कि शुड, ठीक है? शैल की जगह वुड आएगा क्योंकि शी आ रहा है, वर्क हार्ड। आया समझ में?